बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फरोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। फ्रेंड्स एवरीवन, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पे अलाइनमेंट किया गया है। देखिए यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, ये जो रिटर्निंग वॉल का यहाँ पर अलाइनमेंट किया गया विद हेल्प ऑफ द नेल्स लगा के अलाइनमेंट किया गया, एकदम लाइन में रखा गया है। ओके, ये जो है रिटेनिंग वॉल है, मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है रिटेनिंग वॉल है, आपको अच्छे से देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियोस हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ, पूरी वीडियोस आपको देखना है शुरू से लेकर आखिरी तक, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर जो प्लाई का यहाँ पर जो बोर्ड है 2.4 मीटर का ये लेंथ है, हाइट है। यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे होल कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है होल करने का, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पूरी वीडियोस देखना आपको। ये होल इसलिए करते हैं ताकि जब हम कंक्रीटिंग करें, कंक्रीटिंग करते टाइम पे कंक्रीट बल्च ना हो, बाहर ना आ जाए, जो बोर्ड सरक ना जाए, तो इसलिए वहाँ पे एक रॉड डालेंगे, वहाँ से एक जो बार होगा ना, बार को डालेंगे। ये जो होल क्या करेंगे, आर पार करेंगे इसको, स्टार्टिंग जैसे कि इनर से लेके आउटर तक इसको होल करेंगे, इनर से लेके आउटर तक इसको होल करेंगे। इनर से लेके आउटर तक होल करने के बाद वहाँ पे इसका लॉक दिया जाएगा और लॉक को टाइट कर देंगे। टाइट करने से तो ये होता ही है, इसको बॉटम में भी देते हैं और टॉप में भी प्रोवाइड करते हैं, बॉटम और टॉप में। इसलिए प्रोवाइड करते हैं बॉटम में और टॉप में कि वो उसको होल्ड करें, अच्छे से रखें, पोजीशन में रखें। जो भी प्लाई है इनर साइड आउटर साइड, उसको पोजीशन में रखें, पोजीशन मेंटेन रखें। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे इस तरह से क्या करते हैं, लॉक करते हैं इसको होल्ड करके विद द हेल्प ऑफ दी, यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे जो मशीन से यहाँ पे कर रहे हैं इस तरह से, उसका नीडल होता है मशीन से यहाँ पे करके उस तरह से लॉक। तो देखिए यहाँ पे जिस किस तरह से यहाँ पे दिया गया, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पूरी वीडियोस देखना, आपको स्किप करना नहीं है, पका के नहीं देखना। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियोस हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। और आपको होल करते टाइम पे लाइनिंग डालना है, लाइनिंग डाल के वो हिसाब से आपको सीरियल से आपको होल करना है। देखिए इसको क्या करना है, ये आउटर सेट का बोर्ड है, इनर सेट तक उसको होल करना है, आउटर टू इनर आपको होल करना है। देखिए होल हो रहा है, होल हो गया, यहाँ पे इनर तक होल होना चाहिए, इनर तक हो जाएगा होल, नॉट फॉर आउटर, इनर तक आपको यहाँ पे होल करना। देखिए यहाँ पे होल देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि मिस्त्री यहाँ पे होल चेक कर रहे हैं क्या इनर सेट हुआ क्या नहीं हुआ। इस तरह से आपको होल प्रोवाइड करना है। यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे होल प्रोवाइड कर रहे हैं, आउटर टू इनर, आउटर से लेके इनर तक, आउटर टू इनर यहाँ आपको होल प्रोवाइड करना है, ठीक है। आउटर टू इनर आपको होल प्रोवाइड करना है इसी तरह से आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह से अलाइनमेंट है, किस तरह से अलाइनमेंट देखें, यहाँ पे होल दिया गया, ऊपर की साइड पे यहाँ पे होल दिया गया। देखिए यहाँ पे बॉटम में भी दिया गया है, ब्लड सेंटर में भी दिया गया, तीन साइड दिया गया है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे बल्ज ना हो, कंक्रीट जो है बल्ज ना हो, रिटेनिंग वॉल का कंक्रीट बल्ज ना हो, इसलिए बाहर ना आए, एकदम ख़राब से ना दिखें, गंदा सा ना दिखें, और बोर्ड बाहर से ना आ जाए, कंक्रीटिंग करते टाइम पे निकल ना जाए बोर्ड बोल के, बोर्ड को एक जगह पर पोजिशन में रखने के लिए, पोजिशन मेंटेन करने के लिए उसमें बॉटम में और टॉप में सेंटर में क्या किया गया, यहाँ पे होल किया गया है। उसके बाद वहाँ पे बार से सेटिंग सिस्टम आएगा, बार से वहाँ पे उसको लॉक किया जाएगा, बार से वहाँ पे लॉक किया जाएगा। आज की वीडियो कैसी थी बताइए ज़रूर। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब